लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया गठबंधन में अब सीटों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। इस बीच बसपा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि बसपा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल होगी या नहीं, लेकिन माना जा रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती अपने जन्मदिन के मौके पर बड़ा ऐलान कर सकती है। इंडिया गठबंधन को लेकर इन दिनों बसपा कार्यकर्ताओं में भी बेचैनी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, जिसको लेकर उनकी नजरें पार्टी की मुखिया मायावती पर टिकी है कि वो गठबंधन को लेकर क्या फैसला लेंगी, क्या वो गठबंधन का हिस्सा बनेंगी या फिर उन्होंने जो अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है उसी फैसले पर टिकी रहेंगी। अभी कुछ समय पहले ही बसपा की ओर से इंडिया गठबंधन में शामिल होने के संकेत मिले थे, जब मायावती ने अपने बयान में कहा था कि भविष्य में कब, किसको और किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले एक बार मायावती का वो बयान सुनिए। बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश में जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। वहीं बसपा सांसद मलूक नागर ने भी दावा किया था, बिना बसपा के और मायावती को पीएम उम्मीदवार घोषित किए बिना इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं हो सकता और बीजेपी यूपी में 75 सीटें जीत जाएगी, जिसको लेकर कार्यकर्ता आस लगाए बैठे हैं। पर खबरों की माने तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि ना तो इसको लेकर बसपा की टॉप लीडरशिप में ऐसी कोई बात चल रही है और न ही गठबंधन को लेकर औपचारिक चर्चा शुरू हुई है। पर अब इस कयास से 15 जनवरी को ही पर्दा हटेगा, जिसके बाद तस्वीर साफ होगी।